पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेस्टर लेयर के बारे में। रेस्टर लेयर फोटोशॉप का डिफ़ॉल्ट लेयर होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर लेयर के बारे में। तो रेस्टर लेयर और वेक्टर लेयर के डिफरेंस को ठीक से समझने के लिए अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो टॉप राइट में आई बटन पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके रेस्टर लेयर और वेक्टर लेयर में क्या डिफरेंस होता है। अब हम जानते हैं वेक्टर लेयर्स के बारे में। आमतौर पर सभी को लगता है कि इलस्ट्रेटर में ही वेक्टर लेयर पे काम होता है, लेकिन ये फैसिलिटी फोटोशॉप में भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वेक्टर लेयर रेस्टर लेयर से किस प्रकार से डिफरेंट है। तो इसके लिए हम चलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर पे और देखते हैं कि किस प्रकार से ये अलग है। अब ये जो एडोब इलस्ट्रेटर है इसमें ये एक शेप बनी हुई है और ये एक वेक्टर लेयर है, क्योंकि इलस्ट्रेटर वेक्टर लेयर पे ही काम करता है। तो इसको अगर हम जूम करेंगे या एनलार्ज करेंगे तो इसमें आपको कोई क्वालिटी का लॉस दिखाई नहीं देगा। आप इसे इन्फिनिटी लेवल तक जूम कीजिए, क्योंकि इलस्ट्रेटर का जो इंजन होता है वो इसी प्रकार से काम करता है कि जो भी शेप होती है उसको जैसे जैसे हम एनलार्ज करते हैं वो रीड्रा करता जाता है और क्वालिटी का कोई लॉस नहीं होता है। ये रेस्टर लेयर से इस प्रकार से डिफरेंट है। चलते हैं फोटोशॉप में, मेन फोकस क्योंकि हमारा यहीं पे है। अब फोटोशॉप में भी वेक्टर लेयर की सुविधा है। यहाँ पे ये जो टूल दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल टूल, इस टूल को अगर हम सेलेक्ट करते हैं और क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इससे संबंधित ऑप्शन दिखाई देगा कि रेक्टेंगल का साइज मैनुअली डाल सकते हैं और ओके प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से ये शेप ड्रा हो जाएगी और इसकी प्रॉपर्टीज पैनल भी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक सेट कर सकते हैं, इसकी साइज सेट कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से इसको फिल भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे लेयर पैनल में डिफरेंस देख सकते हैं कि ये जो लेयर है ये वेक्टर लेयर है, तो ये लेयर यहाँ पे रेस्टर लेयर से अलग दिखाई दे रहा है। इस पर एक अलग से सिंबल बना हुआ है, तो ये पहचान है वेक्टर लेयर और रेस्टर लेयर की। इस प्रकार से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वेक्टर लेयर बनाने के लिए आप यहाँ से इसमें से कोई भी टूल सेलेक्ट कीजिए, जैसे राउंडेड शेप टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगन टूल है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे ये जो ऑप्शन बार है इसमें शेप को सेलेक्ट करना है, कलर स्ट्रोक आप चाहे तो रखिए वरना मत रखिए, और यहाँ पे आप चाहे तो मैनुअली साइज डाल सकते हैं या फिर आप क्लिक करके इस प्रकार से ड्रा भी कर सकते हैं। तो ड्रा करने पर ये एक वेक्टर बेस्ड लेयर बन जाएगा। मोस्ट वेब डिज़ाइनर जो होते हैं वो वेक्टर बेस्ड लेयर पे ही काम करते हैं और यहाँ पे इन्हीं टूल्स की सहायता से अपने सारे शेप्स बनाते हैं। यहाँ पे सबसे यूजफुल टूल जो है वो लास्ट में है, कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल पे आप यहाँ पे क्लिक करके कई प्रकार के शेप्स को एक्सेस कर सकते हैं जो कि फोटोशॉप के साथ प्रीसेट में है। इसके अलावा कई साइटों पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये .css फाइल होती है। तो इन शेप्स को आप ड्रा कर सकते हैं और अपने ग्राफिक्स में यूज ले सकते हैं बिना क्वालिटी लॉस के, कितना भी एनलार्ज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम इस शेप को सेलेक्ट करते हैं और इस प्रकार से ड्रा करते हैं। ड्रा करते वक्त अगर हम शिफ्ट बटन प्रेस करते हैं तो ये परफेक्ट साइज में ड्रा होती है। इसके अलावा अगर हम एल्ट बटन प्रेस करके इस प्रकार से शेप ड्रा करते हैं तो ये सेंटर से शुरू होती है, और एल्ट के साथ अगर हम शिफ्ट बटन प्रेस करते हैं तो ये इस प्रकार से परफेक्ट शेप में ड्रा होती है। आप यहाँ से कलर फिल या कलर चेंज करने के बजाय अगर लेयर के थंबनेल पे डबल क्लिक करेंगे तो भी कलर ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पे आप इस प्रकार से कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर वेक्टर लेयर में इतनी बढ़िया क्वालिटी है तो रेस्टर लेयर का यूज हम क्यों करते हैं? क्योंकि
साइज इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगी इमेज की, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रैम और बहुत ही हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसके अलावा हम जो वेक्टर लेयर होता है उस पे बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। जैसे अब ये वेक्टर लेयर है, तो अगर हम इस पे कोई भी जैसे ब्रश टूल है इसी को सेलेक्ट करके इस पे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये हमें नो का साइन दिखाई देगा, मतलब हम इसमें मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो फोटोशॉप डायलॉग बॉक्स बोलेगा कि यहाँ पे इसको रेस्टराइज करना पड़ेगा, तभी आप इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो रेस्टराइज लेयर हो जाने के बाद में अगर हम इसको अपस्केल करते हैं तो वेक्टर लेयर की तरह इसकी क्वालिटी नहीं रहेगी। तो आप चाहे तो यहाँ पे ओके प्रेस करके रेस्टराइज लेयर बना सकते हैं, या इसके अलावा किसी भी वेक्टर लेयर को यहाँ पे राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर के ऑप्शन से रेस्टराइज कर सकते हैं। इसके बाद में आप उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अब हम समराइज करते हैं वेक्टर लेयर्स को। नंबर वन, वेक्टर लेयर का जो लेयर पैनल पे थंबनेल होता है वो रेस्टर लेयर से अलग होता है। आप ये शेप का आइकन देख के इजीली पहचान सकते हैं कि ये वेक्टर लेयर है और ये रेस्टर लेयर है। दूसरा, इसमें जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, रेस्टर लेयर की तरह आप इसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते। तीसरा ये है कि इसमें क्वालिटी का लॉस नहीं होता, आप इसे आप स्केल कितना भी कीजिए क्वालिटी का लॉस नहीं होगा। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप रेस्टर लेयर और वेक्टर लेयर के डिफरेंस को समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।